कैलेंडर लॉन्च है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और कैसा लग रहा है? साल का पहला लॉन्च है, तो इस कैलेंडर के बारे में कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट Parimal and entire Blank Canvas team for the launch of this calendar 2021. I'm excited to see that calendar. I'm waiting for that. First, I have seen Kingfisher calendar. Now I want to see Blank Canvas calendar. So I'm very, very excited. So sir, 2021 se kya expectation hai? 2021 se kya expectation? Now 2020 was very, very challenging year. Now, since the vaccine has come, and now we are feeling a relief, confidence, and I believe now by first quarter or the second half, all the vaccine things will be done and we all will get vaccine. And I see a very, very big blast of businesses from the second half, since there is a big vacuum was been placed, and now I see a good business in the second half, and I see a good very good Diwali, good festivals, and second half is our festival season in India. So I see a very good year for 2021 from second half. Sir, आपने अभी तक calendar देखा है कि नहीं? इन्होंने अभी तक मुझे दिखाया नहीं है. इन्होंने मुझे सरप्राइज करेंगे, एक्साइट करेंगे. अब मैं तो पागल हो रहा हूँ देखने के लिए. आप मेरी खुशी देख सकते हैं, मेरा एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं. मैं बता नहीं सकता, बट आप मेरे देख सकते हैं हाउ एक्साइटेड आई एम. थैंक यू. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, बिकॉज मैंने देखा नहीं अभी. सो इसलिए एक्साइटमेंट और ज़्यादा है. एंड एज इफ नाउ परमल जस्ट टोल्ड मी दैट यू हैव बीन रनिंग अराउंड पास्ट 30 डेज, एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि कितना हार्डवर्क लगता है. सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज ब्राइडल एक ऐसा कलेक्शन होता है जो बहुत अमेजिंग होता है. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि लहंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एंड कलर्स एंड जो उसमें डिटेलिंग्स होती हैं वो मेरी काफ़ी फेवरेट रहती हैं. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट. कैलेंडर पे आपको देख सकते हैं हम लोग? नहीं, आई एम नॉट देयर. आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई शुड बी देयर. नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड हर. सो दिस इज द प्रूफ दे आर सेइंग इन नेक्स्ट ईयर आई एम देयर. कैलेंडर वी कमिटेड, वी ऑलवेज वेयर ऑन आवर ओन वर्ड्स. सो कहीं पे आपको भी सरप्राइज मिलने वाली है कि नहीं आज रात को, क्योंकि कैलेंडर में जो लॉन्च होगा जब, तब आपको भी सरप्राइज मिलने वाली है? नहीं, मुझे नहीं, बिकॉज मैं नहीं हूँ ना. सो बट अदरवाइज आई गेट अ सरप्राइज, एज इन आई सी देयर कलेक्शन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज, क्योंकि कैलेंडर अभी मैंने देखा नहीं है. 2021 से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? आई एम टू एक्सपेक्टिंग लॉट, बिकॉज आई थिंक मेरा 2021 बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ. एग्जैक्टली रात के 12 बजे मैं अपना क्लोजअप शॉट दे रही थी. सो आई वॉज बिजी शूटिंग, आई जस्ट गॉट बैक टू बॉम्बे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि पूरा साल मैं ऐसे ही काम करती रहूँ. एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज एक कैलेंडर लॉन्च है और कैलेंडर की डेट्स बहुत मायने रखती है हम सब एक्टर्स की लाइफ में भी और सबकी लाइफ में. सो आई होप वो कैलेंडर पूरे साल भरा रहे. आई एम सो रिलीव्ड, आई एम सो रिलीव्ड, बिकॉज हम अभी बहुत मास्क वास्क पहन के अपना काम कर रहे हैं, बहुत यू नो मेंटेन कर रहे हैं सारे नॉर्म्स, बट आफ्टर वैक्सीनेशन आई एम श्योर कि लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी हम सब के लिए. थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली, बिकॉज बींग अ ज्वेलर, ब्राइड्स प्राइड तो फैशन और ज्वेलरी दोनों होता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस लॉन्च, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस फैबुलस लॉन्च, एंड ऑल द बेस्ट टू परमल भाई. ही हैज़ बीन डूइंग एक्सीलेंट वर्क, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग ग्रेट वर्क. सर, आपने कैलेंडर देखा? डिजिटल नहीं, आज अभी इनके लॉन्च के साथ आए हैं, इनके साथ बैठ के देखा. तो सर, 2021 का कैलेंडर है और 2020 वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल द वर्ल्ड. तो आपका 2020 कैसा गया? आई थिंक 2020 वाज टफ फॉर एवरीवन, एंड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, एंड विथ द वैक्सीन कमिंग इन, आई थिंक 2021
for most of the industries is going to be a fabulous year. So we look forward to 2021 to be a rocket. Sir, आप बताइए आप कितने excited हैं calendar के लिए? I heartily congratulate Parimal ji for such a wonderful event aur main bahut zyada excited and very much close to Parimal and we are really excited and all the best to Parimal bhai. Sir, to main 2020 ki baat karta hu to 2021 bahut negative year tha, so if you want to pick some positive things, so what will be positive, positive things you can get from 2020? I think everyone is connected back with nature, because nature has shown its fury or its true colors. So I think more and more people have become humble and they have realized the value of life. So I think the coming year people will be more responsible while enjoying. Ma'am, you want to say something about calendar? Yeah, we all are excited to see calendar. एंड एज गुड एज जैसे आप बता रहे कि क्या एक्साइटमेंट है, तो जैसे एक शादी का एक्साइटमेंट रहता है कि क्या रहेगा कैसे रहेगा, एज गुड एज वैसा ही एंटरटेनमेंट है और एज गुड एज वैसा ही एक्साइटमेंट है जैसे एक शादी का रहता है। न्यू कलेक्शन क्या दिखने मिलेगा ज्वेलरी में? New collection in the jewelry. So I think it's a unique collection. The king of jewelers should talk about it. I think jewelry mein the trend of colored gold will continue, as well as color stones mein I think we'll see fresh new jewelry this year, because last year people have been sitting at home, all the designers have been working overtime for the fresh new collections. So I think 2021 is going to be a wonderful year for new designs. Clinic, as a skin clinic, has participated in such a event which is about bridal calendar. So every bride and bridegroom, I think they want to look the best on their day. So I think it's exciting for us to be sponsoring here in this event. So, 2021 se kya expectation hai aapka? 2021. Yeah. I think we all should be safe and healthy. Aur COVID vaccine bhi aa chuka hai iske bare mein. Oh, about COVID vaccine, there are a lot of things, but me being a health worker and a practitioner, I think, yes, we need to protect ourselves. So we will have to eventually take the vaccine. So, ma'am, you are a skin doctor, so what do you want to say about the skin? सबको, आई मीन मेरे मोस्ट ऑफ द जो भी मैं पेशेंट्स को पूछती हूँ, तो उनको सबसे ये होता है कि आई वांट टू हैव अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन, अ नेचुरल स्किन विदाउट एनी मेकअप. सो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ द लाइफ स्टाइल. तो यू नो, स्लीपिंग 7 to 8 hours एवरी डे, ईटिंग हेल्दी, एक्सरसाइजिंग विच एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू लाइक, एंड हैविंग अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इज समथिंग विच विल वर्क इंटरनली इन योर बॉडी टू गिव योर ग्लोइंग स्किन एक्सटर्नली. And then when it comes to skin care, the basic 3 tips that I tell all my people is that you should use a good cleanser. Sunscreen बहुत ज़रूरी है. लोगों को ऐसे लगता है कि घर पर रहेंगे तो sunscreen की ज़रूरत नहीं है. इस time भी जो मैं flash light के सामने खड़ी हूँ, उसके लिए भी हमें sunscreen लगाना ज़रूरी है, क्योंकि it protects us from all kinds of rays. And a good moisturizer at night as per your age and as per your skin type. Thank you. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज की शाम को कैलेंडर लॉन्च है, तो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड हैं. देखा आप लोगों ने कैलेंडर? एक्चुअली जनरली स्पीकिंग मैंने कैलेंडर देखा नहीं है, बट ड्यूरिंग द शूट मैंने काफ़ी पिक्चर्स देखे थे. तो कैलेंडर में बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ इनफैक्ट, सो बहुत ही एक्साइटमेंट है. एंड ऑफकोर्स इट्स अ 2021, सो 2021 में ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा. So with this calendar, we are spreading out that message also that it will be good for everybody. And from the styling to the photographer, everybody has done a fantastic job. And looking forward to see this calendar, and I'm very excited. Especially Black Canvas, Gagan, Priyank Nandwana, everyone has done. It's a teamwork. जब कहते हैं कि जब एक चीज़ बहुत खूबसूरत बाहर निकल के आती है, तो वो teamwork ही होते हैं, and that's exactly with Black Canvas. Madam, what about you? Even I'm super excited for the calendar launch. Even I was there at the shoot, in fact, ऐसे लग रहा था कि एकदम शादी वाला सेट है. So
2021 का इंतजार हर किसी को था एंड फाइनली हम इस ईयर में पहुंच चुके हैं. सो कितना एक्साइटिंग होने वाला है एंड क्या कुछ हमारा होने वाला है आप लोग की तरफ से. गगन आई थिंक आप शुड न्यू कैलेंडर इज वेरी न्यू इट्स अ ब्राइडल कॉन्सेप्ट. सो नॉर्मली पीपल डू द कैलेंडर्स विद आइदर स्विम सूट्स और समथिंग वेरी कैजुअल बट आवर कैलेंडर इज वेरी हैप्पी एंड आवर कैलेंडर इज टोटली ब्राइडल. सो ब्राइडल्स विद हैप्पीनेस वी आर स्टार्टिंग द 2021 विद अ ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड विद अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. वाओ क्या बात है. So 2021, first of all, I'm very happy that the vaccine has come. And that's a very big sign for everybody. And with that vaccine, when we, Black Canvas planned the whole calendar, so they told me that it's about the shaadi vagaira sab ke bare mein. Kyunki 2020 mein shaadiyan bahut sari ruk gayi, sari cheeze nahi ho paayi. So why not start the year with a beautiful wedding concept, wedding Indian traditional everything. So that's what I feel the Black Canvas has done. एंड विद 2021 ये कैलेंडर के साथ मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई ये कैलेंडर को देखे तो अपनी शादी की मेमोरीज को याद करे, अपने एंगेजमेंट पीरियड को याद करे एंड दैट्स इट. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? 2021 हैज बीन ब्लेस्ड ईयर, यानी कि 2021 में ही इज राइट के वैक्सीन आ गए. हमने भी सोचा कि ईयर की शुरुआत करनी है तो एक किकस्टार्ट इवेंट से करते हैं. सो ब्लैंक कैनवस जो मेरी और रोहित रेड्डी की कंपनी है, वी प्लान दिस फर्स्ट कैलेंडर और इस कैलेंडर से वी वॉन्ट टू अनाउंस द ईयर थ्रू आउट द ईयर के हमें बहुत सारी खुशियाँ मिली इस साल में और इस साल के बेसिकली हम थ्रू आउट द ईयर इनफ अच्छा काम करें मीडिया में, इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में और काफ़ी सारे फेसेस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैंपेन से हम आगे उनको ला के दिखा सकें. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द कैलेंडर बिकॉज माई फ्रेंड इज शॉट इट, प्रियंक ने शूट किया हुआ है एंड आई नो देम फॉर ईयर्स नाउ. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कैलेंडर. जैसा कि सबके लिए था वैसा ही मेरे लिए भी था. आई लॉस्ट माई क्लोज फ्रेंड एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो हैपेंड. सो आई होप 2021 इज गोइंग टू बी अ बेटर ईयर. तो मैम अपने जैसे बात की तो उस नेगेटिव वेव्स में जा रहे बात, तो कुछ ऐसी पॉजिटिव थिंग्स आप निकाल सके 2020 से जो आपने सीखा हो 2020 से. 2020 taught me how much I love myself because I was spending so much time with me and myself and my family. So I think I discovered a lot of things about myself in 2020. So ma'am, how much fashion is important for you? Fashion used to be very, very important for me, so much so that I would wear high heels till my feet used to hurt. But now for me fashion is all about comfort. Yes. So ma'am, jaise bridal concept hai, so how do you look bridal in your own life? I still haven't got married, so I don't know how will I look bridal in my own. Today she'll get an experience about how the brides are. Yeah. Ma'am, ma'am, what about your upcoming projects? Huh? Ma'am, what about your upcoming projects? I'm waiting for my series to be launched. It's called Ghost Thesis for Amazon. So ma'am, आपने मॉडल्स के लोकेशंस डिजिटली देखे हैं क्या? फिर आपने कैलेंडर डिजिटली देखा है? इन्होंने दिखाया नहीं अभी तक. सब सरप्राइज है सबके लिए. Right. We want everybody to be excited to come over. Yeah. That's the reason to get them all here today. ma'am, क्या expect कर रहे हैं? हर साल के कैलेंडर से और ये साल के कैलेंडर में क्या different होगा ma'am? मैंने लास्ट ईयर का भी नहीं देखा था यार. So he's asking me to compare it. हाय, मेरा नाम आयुष माइती है एंड आई एम अ मॉडल एंड एन एक्टर. आपने इस कैलेंडर को कौन से मंथ में शूट किया है? कौन से मंथ में? दैट्स अ सीक्रेट, दैट्स गोइंग टू अनवील नाउ इन सम टाइम. आई एम आल्सो एक्साइटेड. सीरियसली बताओ तो मुझे भी खुद को नहीं पता. आई हैव जस्ट वेटिंग फॉर इट एंड पिक्चर्स आर ऑसम, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. सो वेटिंग फॉर इट. हम बॉम्बे सूरत के बॉर्डर पे एक जगह है वहाँ गए थे. व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाडा? हनी बुक. हनी बुक स्टूडियो, वहाँ पे हमने शूट किया था
and the location was beautiful and I hopefully think the pictures are great and looking forward to it. So finally aapne shoot kiya aur aaj jo hai launch hone wala hai, kitna excitement hai aur kitni matlab excitement hai ye bataiye hame. I'm super excited launch ke liye because shoot itna acha hua tha, so I'm eager to see the pictures. So ma'am, ye location ho ya shoot mein aise koi cheez hai jo aapke liye memorable raha ho? You know, हम एक्टर्स और मॉडल्स के लिए हम जो भी शूट करते हैं वो ईच एंड एवरी काम मेमोरेबल होता है. ये शूट पे इट्स मेमोरेबल बिकॉज आई वर्क विद माई फ्रेंड्स, आई वर्क विद परमल, आई वर्क विद गगन हु इज अ डिज़ाइनर, फैब क्लोथ्स एंड द फोटोग्राफर प्रयाग इज अ फैंटास्टिक फोटोग्राफर एंड पिक्चर्स आर रियली ग्रेट. सो या यू शुड वेट फॉर द अनवील एंड सी द पिक्चर्स. परिमल जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके साथ ही मेरा सेकंड टाइम है, सेकंड कैलेंडर किया है उनके साथ मैंने. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. तो मैम सर ने जब आपको पहली बार बोला कि शूट करना है तो आपका तभी एक्साइटमेंट कभी आपका कैसा था, मींस आपको कैसा लगा कि हाँ मेरे को 2020. परिमल जी ने हमें कॉल करके बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या है. जनरली कैलेंडर शूट के कॉन्सेप्ट थोड़े एजी होते हैं, या तो बिकिनी होता है या तो हॉट रेंज में होता है, बट मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है. ये ब्राइड्स है, ब्राइड का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने अलग अलग ब्राइडल कॉस्ट्यूम पहने हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट आई थिंक. एंड या सो मैम ब्राइडल है और आपने कितना एंजॉय किया मेकअप एंड ड्रेसिंग में? सुंदर लगा किसे नहीं पसंद है, हर लड़की को सुंदर दिखना अच्छा लगता है. एंड आई शुड ऐड शी इज नेल्ड इट, शी इज नेल्ड इट, शी वाज देयर. आई थिंक माय सुपरस्टार एंड माय लकी चार्म ऑफ द कैलेंडर इज आइरिस एंड आई ऑलवेज गिव दैट क्रेडिट्स टू हर. थैंक यू सो मच. सो मैम 2020 से आपने क्या सीखा ये लॉकडाउन में? सो जब हम काम करते हैं ना हम बिजी रहते हैं, पूरा पूरा साल हम कुछ ना कुछ करते रहते. सडनली ना एक सेमी कॉमा आ गया था लाइफ में और सब रुक चुका था. सो पहले एक दो महीना समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, पर पेशेंस सिखाया है और सिखाया है कि कुछ परमानेंट नहीं है लाइफ में एंड वी हैव टू टेक ईच डे एट अ टाइम एंड ग्रैटिट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने 2020 से सीखा है. 2021 से क्या एक्सपेक्टेशन है? आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड आई थिंक 2021 हम सब सभी के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू मैम. Well, today in the afternoon I got to know about this. मुझे प्रतीक ने बताया and I was like, okay, I took the half day from my work and I'm here. I'm really excited to. I'm really happy. I'm like, especially came down from Surat for Parimal in the launch. It was like I'm just waiting to reveal the calendar for sure. So 2021 से क्या expectation रखते हैं आप? Hope everything will be fine, better as soon as possible. हाई गाइज, सबको फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बिग हाई एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑफकोर्स. सो मेरा नाम पूजा बिस्ट है एंड टुडे आई एम ओवर हियर फॉर द दिस अमेजिंग लॉन्च ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड गगन कुमार एंड होपफुली we all will love his collections. Let's see how it goes. So ma'am, is calendar mein aapko dekh sakte hain? No, I'm not there in the calendar. Sab calendar mein hoenge to dekhega kaun, you know. So excitement bataiye aapke. I'm very excited because abhi recently hum log abhi aisa feel kar rahe hain ki we are covid free now. So of course I'm really excited to see and usse zyada excitement is baat ke ki we are going back to normal. So so ma'am, how do you define fashion in your own personal life? आई एम अ बिग फैन ऑफ फैशन, बट मेरे लिए फैशन वो है जिसमें आई फील कॉन्फिडेंट एंड एट द सेम टाइम आई शुड फील कम्फर्टेबल एज वेल. कि ऐसे फैशन का क्या यूज़ है कि आप कम्फर्टेबली फील ना करो. इट शुड इन्हांस योर पर्सनैलिटी एंड इट कुड बी एनी थिंग विच मेक्स यू लुक बेटर. ब्राइडल लुक आपके लिए कैसा, मतलब आपके लिए लाइफ के लिए कैसा है? ब्राइडल लुक तो मुझे देखते ही ऐसा लगता है कि दो घंटे मेकअप करना पड़ता है. सो आई पर्सनली लव लुकिंग एट ब्राइड्स और बहुत अच्छा लगता है, बट अपने बारे में सोच के सकता हूँ आई गॉड इतना मेकअप कौन करेगा और इतना हैवी आउटफिट्स कौन पहनेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस एंड इंडियन गर्ल्स दे लव ब्राइडल आउटफिट एंड इंडियन आउटफिट एंड सो डू आई. सो आपकी मूवी भी आ रही है, उस बारे में बताइए.
Yeah, there's a film of mine coming with Sunny Leone. Abhi uska tentative naam Coca-Cola hai, but most probably they're gonna change the name, and I'm really looking forward for that project because it's very different and it's a horror comedy. So really excited for that movie. So 2021 se aapka kya expectation hai? उसके अकॉर्डिंगली होगा तो इसलिए ज्यादा सोच के कोई फायदा नहीं. आई थिंक जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑलरेडी वी हैव शॉट, बस अभी बहुत थोड़ा बहुत बचा है, लाइक हफ्ते भर का वर्क इज देयर. सो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम सनी लियोनी? टू बी वेरी फ्रैंक, आई लव हर. आई मीन शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, एंड इतना ज़्यादा जिस तरीके से उसका क्रेज है सनी का, इज लाइक इज क्रेजी कि पीपल आर मैड अबाउट हर, बट स्टिल शी इज़ सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एंड सो हार्ड वर्किंग दैट इट्स वेरी इंस्पायरिंग. कि इस लेवल पे पहुँच के भी हम्बल रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट आई फील. सो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम हर इज दैट कि ऑफकोर्स बी हम्बल एंड डू योर हार्ड वर्क. इस साल देख सकते हैं आप दोनों को एक साथ? यस, व्हाई नॉट, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च. थैंक यू सो मच. बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं आप? नहीं, मैं अक्सर वो नज़र आता हूँ, तकरीबन हर इवेंट पे नज़र आता हूँ, और जहाँ पर भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो आई एम ऑलवेज देयर. और इट्स वंडरफुल इवेंट और शुरुआत हो रही है यहाँ पे, एंड आई वाज इनवाइटेड, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टू अराउंड वंडरफुल पीपल, और अच्छा इनिशिएटिव है. So it's always good to be there for the right tip. This is about calendar. How much you had to calendar? I know the very famous calendar from Dabur Ratnani. Jee. How different you find this one? Well, I will have a look and then I can give a feedback about the same for sure. But yes, yahan pe to bada, there are few calendars which are always happy in the news, and this Kingfisher ko khair hai, that has been the one. And Dabur Ratnani, yes, of course, he's been around for a long time, and let's see. There's always dearth, and there's always a scope for many more such events, such products in the market. So let's hope it will set a standard, or it will be amongst the top 3, top 5, jaise bhi hum keh sakte hain. That's it. How easy or it was difficult to get him on board? It was very difficult to get him on board in terms of finding out, first of all, that he'll come or no. But it was easy for me just because of Aju and Reena, my colleague and my friends and my family, for which he honored, and I'm very blessed to have him today. My occasion is just becoming bigger and bigger with the right people coming up, and I'm so thankful for you to come over. It's always a pleasure. Apart from this, what happened on professional front? Apart from this, Lakshmi released recently in the month of November, and I'm shooting for a couple of web series are going on. There's 2020 was bad, so in that, but still we try to make it productive. I was in Kashmir for about 5 months for the first time in my last 25 years. We did shoot about 3 web series. I directed one. I have written and directed the same web series for new OTT platforms. And one of our films was released on MX Player, that is Wishlist, starring Hina Khan and all other. Because we're a group of about 8 producers, you know, independent producers. We're not, like, of course, not as big as YRF and all, but we're trying to make a little difference, trying to contribute in our whatever capacity we can to make some, create an industry out there also. Thank you so much, everyone. Thank you very much. I'm here for Gagan, and I'm really excited to see all his designs and everything. So I'm really excited. What's your, you know, what normally you look into when you talk about the calendar? I'm sorry. No. Sir, rukna hai. Sorry. Hi, Parimal. Log to sawal hi karenge na. What do you look into, you know, when anybody talk about calendar? When anybody talks about calendar, it's all about exclusivity, how exclusive you are. Because that's what shows on the calendar. So, yeah, it would be exclusivity. Yeah, it's totally exclusive because this calendar is unbranded. It's totally different. Have you taken some references while working on the calendar? We are not taking any reference, but we are doing a lot of homeworks. We are using our own creativity to make a new things, new concept, new styling with a new jewelry concept. Yes, I believe references ka zamana bahut purana hai. If you want to really be creative, or if you really want to get something new on the table, you have to think loud and get it. And I think today's calendar will reveal our creativity, and hopefully Blank Canvas as a company between me and Rohit
we always want to show that we have a good creative input. We do not need references anymore. Thank you. Okay, what happened on professional front? On my professional front, well, my movie is releasing. It's called Tauba Tera Jalwa. It's a woman-centric film along with Amisha Patel. So we are the leading actors and we are playing the role of con artist. Playing the role of? Con artist. I'm going to con everyone. Yeah. Thank you so much. Thank you. So ma'am, yeah. Excited ho ye kaam. We are very happy to collaborate with obviously Parimal and the Black Canvas team. And I think Priyank has done a great job. I just saw the rushes in upstairs, and we've done really good justice with the GFX 100 camera, because it is one of the state of the art cameras just now in the industry. So I'm very happy to collaborate with Parimal on behalf of Fujifilm, and I wish them all the best. And ma'am, it's a concept of bridal. So how bridal is important in your own personal life? In my personal life? Yeah. Oh yeah, of course, it's for everyone, it's a personal choice, of course, you know, when it comes to weddings and, you know, family occasions. So this plays a very important part. And obviously to look good, we're in this industry. So yeah, it is definitely an important thing. So ma'am, how do you define fashion in your own personal life? So actually we are part of the industry. Like we actually shoot movies and you know, commercials where we want everyone to look good. So of course bridal is also one of the, you know, concepts that we deal with all the time. And this is very good that we are getting a chance and opportunity to do this besides the full frame, like, you know, the cameras that we are into. So this is a completely different segment, but we're happy that, you know, we got a chance to work with Parimal on this kind of an idea. I'm very glad to get Fuji on board. The first time, it's an eye-opener for me to have such a beautiful cameras who can shoot not only photography but also the videography. And the entire calendar is basically done on only Fuji and Fuji cameras. So that's the best thing. We're getting a revolution, I show, not only with the bride's calendar, but we're also getting a revolution by shooting it on Fuji and giving the competition brands a good competition also, that yes, here we are to get the best technology here. Thanks, Keith. मैं पिछले 15 डेज से बहुत वेट कर रहा हूँ. एवरी डे कॉल करके पूछता था कभी लॉन्च हो रहा है. और मेरे जो शाइन शिल्पी के लिए ये फर्स्ट टाइम जो एसोसिएशन हुआ है ग्लैमोन जो 2021 बन रहा है, तो मुझे लगता है कि जो इसके लिए हमने ज्वेलरी और क्रिएशन जो बनाया है वो एकदम अलग ही लेवल का है. और जब आप इसको लॉन्च पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसमें नया दिखेगा. आपके जो ज्वेलरी है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे? यस, आप इनके कैलेंडर में सारे ज्वेलरी देखेंगे. और बिल्कुल सारे ज्वेलरीज आपको जो भी दिखेंगे इस कैलेंडर में, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम शाइन शिल्पी ज्वेलर्स. सो बात सर, हर साल जो होते हैं ज्वेलरी में नया नया कलेक्शन लेके आना कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं, पर इसके लिए हमने काफ़ी डिज़ाइनर्स वगैरह हमने साथ में एसोसिएट किए हुए हैं, तो हमें हर 3 महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट नए लॉन्च करने ही पड़ते हैं, जिससे कस्टमर को कुछ नयापन नहीं होगा तो ज्वेलरी में बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो हमें हमेशा हर एवरी 3 मंथ्स में नए कलेक्शन लॉन्च करने होते हैं. 2021 के लिए कोई नया कलेक्शन, कोई कुछ यूनिक कलेक्शन है जो हम देख सकते हैं या अपने आइडियाज़ बनाए हो? मैन जो है अभी आगे पूरा जो मैरिज सीजन है उसके लिए हमने पूरा ब्राइडल कलेक्शन बनाया है. उसमें अलग अलग टाइप्स के येलो ज्वेलरी, फिर एंटिक ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, सभी टाइप में हमने जो नए प्रोडक्ट निकाले हैं वो सब बेहतरीन है और देखने जैसे हैं. ब्राइडल का आइडिया, आई एम अ वेरी इंडियन सेंट्रिक पर्सन आई थिंक, सो माई ओरिजिन बींग इंडिया एंड मुंबई, हमेशा मुझे ट्रेडिशनल से बहुत प्यार रहा है. सो हमने जस्ट इस साल का कैलेंडर जो हमने लॉन्च करना था, वी थॉट ऑफ के वाई नॉट गिव द रेवोल्यूशन टू ब्राइड्स. हमारे इंडिया में ब्राइड्स की एक बहुत एक अहमियत होती है और ब्राइड्स भी बहुत तरीकों के, वी हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस बिहाइंड दैट. सो द एंटायर कैलेंडर इज टॉकिंग अबाउट इट. आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर पार्टनर देन शाइन शिल्पी टू मेक श्योर दैट द एंटायर मूड ऑफ द कैलेंडर वॉज सेट बाई देम, एंड इट वॉज रियली वेरी वेरी नाइस. आज इंडियन कल्चर में जो ज्वेलरी का इम्पोर्टेंस है, अगर शादी अगर किसी का भी फिक्स होता है तो उसका फैमिली सबसे पहले ज्वेलरी ही देखने जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ज्वेलरी होता है, फिर उसके बाद क्लॉथ और दूसरी चीज़ें होती है. सोलह श्रृंगार कहते हैं जिसे इंडियन कल्चर. तो ज्वेलरी इंडियन कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो कंपल्सरी है कि हर शादी में पहनना ही है. आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ब्राइडल लुक आप लोग की लाइफ में क्या पार्ट प्ले करता है?
सबकी लाइफ के लिए ब्राइडल लुक इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं ऐसा है? अभी से सोचा होगा शादी का लुक क्या होने वाला है। हमें देखना पसंद है, इनको पहनना पसंद है, इसलिए मार्केट चल रहा है। एकदम राइट, करेक्ट ना? हम नहीं पहनेंगे तो कैसे बिजनेस होगा? थैंक यू, थैंक यू प्रिया, बहुत एक्साइटमेंट में। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा परिमल जी को, ब्लैंक फ्रेम्स को, ब्लैंक कैनवास को, हमारे फ्रेंड गगन को, डिज़ाइनर जिन्होंने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया। सॉरी अगेन आई रिपीट। ड्रेसिंग की बात करें वो अलग जगह पे, पर जो कैमरा कमाल करते हैं वो अलग जगह पे, तो आपको क्या मतलब कितने डिफिकल्ट आए इसके साथ खेलने के लिए? डिफ़िकल्टी तो मुझे हमेशा मज़ा आती है। हमारे पास फ्यूजी फिल्म वॉज स्पॉन्सर विद अस, सो आई हैड अपॉर्चुनिटी शूट विद अ वंडरफुल कैमरा। द कैमरा इज़ रियली नाइस एंड द लोकेशन सपोर्ट ऑफ होल टीम वॉज वेरी नाइस, सो इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्टी। सो स्मूथ शूट वेंट रियली स्मूथ एंड नाइस। दैट वॉज सम टाइम रिस्ट्रिक्शन बट वी पुल इट आउट वेल। इसमें फ्यूजी फिल्म लोग स्पॉन्सर थे, सो GFX 100 उनका नया कैमरा है, तो वो उन्होंने हमको एज अ स्पॉन्सर हमको यूज़ करने के लिए दिया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रियांक इज़ के इतना लंबा शूट, इतना बड़ा शूट टू पुल आउट ऑन वन डे, एक दिन में, आई थिंक इट इज़ ओनली प्रियांक वुड डू इट। उसको हर फ्रेम में बोलना पड़ता था जल्दी करो, बट ही नेवर गेव अप ऑन द क्वालिटी। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम, ही वाज इन लव विद द कैमरा ऑफ फूजी व्हिच इज GFX 100। ब्यूटीफुल कैमरा।